हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट प्रोटेक्ट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिजीजेस। इट डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस एंड टॉक्सिन्स। दीज ऑर्गन्स आर थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स। Immunity plays very important role in prevention of diseases. Immunity provides a resistance to the host against microbes and foreign substances. Immunity refers to the ability to withstand the attack on the body by pathogens called antigens. These pathogens are in the form of bacteria, viruses, fungi, parasites. Pathogens ko hi antigens bhi kehte hain. ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वेदर इट इज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट। बॉडी की क्या एबिलिटी है टू विदस्टैंड द अटैक ऑफ दीज पैथोजेंस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न विद इन 6 months, वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड इनटू द चाइल्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस एजेंट इन्फेक्शन अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस सच एज चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, मम्स, इन्फ्लुएंजा। ये सारी डिजीजेस बहुत ज्यादा हार्मफुल और हैजार्डियस हो सकती हैं चाइल्ड के लिए, इसलिए उसे वैक्सीनाइजेशन कराई जाती है। वैक्सीन बॉडी के अंदर जाके ऐसी एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती हैं, जब भी इनका कोई एंटीजन एनकाउंटर होता है तो वो एंटीबॉडीज जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं एंड चाइल्ड विल बी हेल्दी। दीज वैक्सीन क्रिएट इम्यूनिटी इन द बॉडी सिस्टम फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर लाइफ। देयर आर प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉल्ड ग्लोबुलिन्स एंड दीज ग्लोबुलिन्स आर ऑफ अल्फा, बीटा, गामा टाइप। गामा ग्लोबुलिन्स आर जनरली कॉल्ड एज इम्यून ग्लोबुलिन्स। बेसिकली गामा ग्लोबुलिन्स को ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, बट ये ग्लोबुलिन्स जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा या गामा टाइप। द नेम इज गिवन सिंस द गामा ग्लोबुलिन्स आर डिटेक्टेड इन द गामा रीजन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम। इलेक्ट्रोफोरेटोग्राम एक तरीके का रिकॉर्ड है, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस से किसी मिक्सचर को अलग करते हैं तो गामा रीजन के अंदर गामा ग्लोबुलिन्स मिलते हैं, अल्फा के अंदर अल्फा, बीटा के अंदर बीटा। द नेम इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन सिंस दीज प्रोटीन कॉजेस इम्यूनिटी अगेंस्ट द अटैक ऑफ पैथोजेंस। हेंस द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज। कोई भी एंटीजन बॉडी को अगर अटैक करेगा तो बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इसी एंटीबॉडीज को हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन आर आल्सो डिफरेंट। स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो फंक्शन भी डिफरेंट। द इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, इननेट और नेचुरल इम्यूनिटी, अडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो बचपन से, बर्थ के टाइम से किसी के अंदर प्रेजेंट है। अडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी नाम से पता चलता है, जो लाइफ टाइम एक पर्सन एक्वायर करता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अडैप्टिव इम्यूनिटी इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, पैसिव सिस्टम और एक्टिव सिस्टम। वी कैन ऑल्सो से पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी बाहर से कोई एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कराई जाए फिर इम्यून रिस्पॉन्स आए। एक्टिव इम्यूनिटी कोई भी एंटीजन आया बॉडी खुद से डायरेक्ट वे के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। पैसिव इम्यूनिटी, अ पैसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स एंटीबॉडीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड। दिस अकर्स व्हेन एंटीबॉडीज आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सच एज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। कभी ट्रांसफ्यूजन होता है तो एक पर्सन का ब्लड दूसरे को चढ़ता है तो ब्लड के साथ ही एंटीबॉडीज भी ट्रांसफर होती हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट पास फ्रॉम मेटर्नल ब्लड फ्लोइंग टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग कंसेप्शन। सो बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर, एग्जाम्पल थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, द ब्रेस्ट मिल्क कंटेन IgA type of antibodies. Artificial antibodies received from a medicine, example from a gamma globulin injection or infusion. Active immunity. This immunity responds in a direct way by the body to an unknown pathogen.
किसी अननोन पैथोजन के लिए जब डायरेक्ट वे से इम्यून रिस्पॉन्स आएगा उसे कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी. दिस रिस्पॉन्स इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू द एंटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर पैथोजन. एक पर्टिकुलर पैथोजन और पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी. द एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ WBC. दे आर टी सेल्स फ्रॉम थाइमस, बी सेल्स फ्रॉम बोन और बोन मैरो. बेसिकली बी सेल्स जो है वो बोन मैरो के अंदर होते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं एंड टी सेल्स हेल्प देम इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द पर्सन ओन सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. द टी सेल एंड बी सेल प्रोसेसेस इन सच अ वे विच स्टिम्युलेट्स पैथोजन एंड प्रिवेंट देयर ग्रोथ. द बोन मैरो प्रोड्यूसेस ल्यूकोसाइट ऑल्सो कॉल्ड WBC. The secondary lymphoid organ are the place where the defense cells do their work. Secondary lymphoid organ ऐसी जगह है जहां पर ये defense cells, B cells और T cells अपना काम करते हैं. The main component of immune system are the lymphatic system, lymph node, filter lymph as that flows through the trapping viruses, bacteria and other organism which are foreign bodies. बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फॉरेन बॉडीज हो, ये ब्लड के अंदर फिल्टर, लिम्फ के अंदर फिल्टर होके ट्रैप हो जाते हैं एंड देन दे आर डिस्ट्रॉयड बाय WBC प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो. देन दे आर डिस्ट्रॉयड. द फाइव स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम आर द सिस्टम एज होल, लिम्फैटिक टिश्यूज, लिम्फ नोड्स, थाइमस, स्प्लीन. द एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क्स लोअर देन इननेट and it is more specific. Thus, adaptive immunity system is also called as specific immunity system. Acquired immunity जो है वो innate immunity से slow काम करती है, लेकिन वो specific होती है. एक specific antigen के लिए specific antibody produce होगी, इसलिए हम उसे ये भी कह सकते हैं कि वो एक specific immunity system है. Active immunity develops in response to an infection or vaccination. It can be natural or artificial. Natural antibodies develop in response to an infection. Artificial antibodies develop in response to a vaccination. Innate immunity, जो कि birth से present होती है, at the time of birth we get these immunity. The innate or natural immunity is acquired when a person is exposed to live pathogen and develops primary immune response. बर्थ से है तो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी किसी भी लाइव पैथोजन से जब एनकाउंटर होगा, विच लीड्स टू इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद ही सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा. इनेट इम्यूनिटी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी, यही प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी को हेल्प करेगा बाय डेवलपिंग द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नेचुरल and not induced by deliberate exposure. Thus, the innate immunity response refers to non-specific defense mechanism that comes into play immediately or within hours of an antigen appearance in the body. These mechanisms include physical barrier like skin, chemicals in the blood, and immune system cell that attacks foreign cells in the body. So, innate immunity is non-specific, while passive or active or acquired immunity is specific. Now we have studied about the immunity, various types, innate and acquired. The acquired is further classified into two types, passive immunity and active immunity. Now we will study about immunoglobulins or antibodies. Naam se pata chal raha hai, globulins hum word use karte hain proteins ke liye. और जो प्रोटीन्स हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे उसे हम कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कंटेन टू आइडेंटिकल हैवी चेन्स. मॉलिक्युलर वेट 53,000, 75,000 एंड टू आइडेंटिकल लाइट चेन मॉलिक्युलर वेट 23,000. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस. दो चेन है, दो हैवी है और दो लाइट चेन है, जो आपस में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड ब्रिजेस. हैवी चेन आर लिंक्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स, हेंस इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स. इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब प्रोटीन्स जो अटैच्ड होंगे या लिंक्ड होंगे कार्बोहाइड्रेट से, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन. ईच चेन हैवी हैज टू रीजन कॉल्ड वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. देयर इज एन अमीनो एसिड टर्मिनल एन
and acid terminal C. The amino acid terminal, half of the light chain is variable region, VL. The carboxyl terminal, half is constant region, CL. See this diagram. See in this diagram, it has light chain and heavy chain. Light chain का ये वाला component जो कि variable component है, ये वाला part जो कि constant part है, और heavy chain के अंदर this part is variable and this is constant. Constant के भी इसके अंदर three parts हैं, constant heavy one, constant heavy two and constant heavy three. अब हमने पढ़ा था कि जो हैवी चेन है इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट अटैच है, इसलिए हमने इसे क्या कहा था, ग्लाइकोप्रोटीन. हैवी और लाइट चेन के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहां पर ये एंटीजन आकर अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट. दे बोथ आर हैवी चेन एंड लाइट चेन आर अटैच टूगेदर बाय और हेल्ड टूगेदर बाय disulfide bonds or disulfide bridges. There are five types of heavy chain, alpha, delta, gamma, mu, e. In the heavy chain, 1/4 of variable heavy and the remaining 3/4 are constant region called constant heavy 1, constant heavy 2 and constant heavy 3. You can see in this diagram, the light chain has two parts, variable and constant. Heavy chain has variable one part, 1/4, and 3/4 is constant heavy 1, constant heavy 2, and constant heavy 3. The five types of immunoglobulins are based on heavy chain. They are gamma IgG, alpha IgA, E IgE, mu IgM, delta IgD. The amino acid sequence is responsible for specific binding of the antibody with antigen. अमीनो एसिड का सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होगा कि कैसे एंटीजन एंटीबॉडी पर बाइंड करेगा. द बाइंडिंग यूनिट वेरीज इन डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स. फॉर एग्जांपल, आईजीजी का स्ट्रक्चर जो है वो मोनोमेरिक है, आईजीए इट इज डायमेरिक, आईजीएम पेंटामेरिक और मल्टीमेरिक, आईजीडी मोनोमेरिक सिटिंग ऑन बी सेल्स, आईजीई मोनोमेरिक बाउंड टू मास सेल्स. Like you can see monomeric structure. Di means two antibodies. Pentameric means five. It has five antibody structure. IgD monomeric sitting on B cell. It is also monomeric structure similar to IgG, but ye kahan baitha hai? B cells par. IgE is monomeric structure bound to mast cell. Ye bhi IgE ka monomeric structure, it is bound to mast cells. Clear, IgG is monomeric, IgA is dimeric, IgM is pentameric or multimeric, IgD is monomeric sitting on beta cell, IgE monomeric bound to mast cells. Immunoglobulin functions. They act as cortical part of immune response by specifically recognizing and binding to particular antigen such as bacteria, virus, etc. and help in their destruction. See this diagram. ये हमें याद रखना है कि IgA जो है वो सारे गट के अंदर, पूरी elementary canal के अंदर, जहाँ पर भी mucosal layers है वहाँ पर present होता है. बाकी सारे G, M, E, T जो है वो हमारे blood vessels के अंदर present होते हैं. बेसिक फंक्शन क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना स्पेसिफिकली और एंटीजन का बाइंड करना पर्टिकुलर एरिया पर, और वहां पर एंटीबॉडीज का, वहां पर एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करना. आईजीजी अकर्स एज सिंगल मोनोमर. इट इज अ मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन द प्लाज्मा. इट हैज फोर टाइप्स, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. सबसे हाईएस्ट अमाउंट के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दैट इज आईजीजी व्हिच हैज मोनोमेरिक स्ट्रक्चर. दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पांस टू इंफेक्शन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी.
they cross the placenta from mother blood to the fetus to give immunity at the time of birth itself. So they can cross the placenta also. This immunoglobulin is of secondary immune response. IgA occurs as single or double unit. This is called secretory immunoglobulin. जहां पर भी secretions होंगे वहां पर ये antibody present होगी. It is found in saliva, mucus, tears and other secretions. So it is called as secretory immunoglobulin. It prevents the entry of bacteria into the body through cell of respiratory, digestive, urinary tract where the respective cells secrete their immunoglobulin. IgM, it is the largest immunoglobulin. हमने देखा pentameric structure और multimeric structure है. So it is the largest immunoglobulin comprised of 5 to 7 units. These cannot travel blood vessel, heads only in bloodstream. This is the first antibody to be produced when bacteria viruses attack. जब भी bacteria viruses body के अंदर encounter करेंगे जो पहली antibody attack करेगी that is IgM. It is produced in fetal stage. Also, it protects against blood-borne microorganisms. This is the immunoglobulin of primary immune response. IgE, it is composed of single Y-shaped units present in the mast cells. It is produced by plasma cells of respiratory tract. It increases in allergic reactions or diseases. And it is responsible for starting allergic reaction. So, कहीं भी allergic reaction होगा, तो immunoglobulin IgE काम करेगी. It protects body, the skin and the mucous membrane. IgD, it is composed of single Y-shaped unit. They are present on surface of beta cells. They are present in small amounts in the bloodstream. The exact function of this immunoglobulin is still under research. So basically, ये Y-shape की होती है, present होती है beta cells के ऊपर, small amount के अंदर bloodstream के भी अंदर होती है, लेकिन इसका exact function अभी पता नहीं है, it is still under research. Thank you.